Hi, this is Dr. Shagun Gupta and you are watching me on my YouTube channel Shagun Gupta Permanent Makeup. Do like, comment and subscribe. Hello guys and welcome to our show. We all have dreams and we all dream of becoming something in our own life. Lekin saath hi bahut aise kam log hote hain jo is sapne ko pura karne ke liye mehnat bhi karte hain aur mehnat ke saath saath isme aur bhi dher sari cheeze hoti hai kyunki mehnat ke saath aapka luck आपका काम और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो परमानेंट मेकअप में कुछ ऐसा काम कर रही हैं और ये उनका सपना आप कह सकते हैं, और इन्होंने इस एम्पायर को खड़ा भी कर दिया है, और ये इन्होंने सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए किया है। वी हैव डॉक्टर शगुन गुप्ता विद अस। शगुन जी, वेलकम टू आवर शो। हेलो, थैंक यू। क्या है परमानेंट मेकअप ये? और सपनों की हम बात कर रहे हैं, काबिलियत की बातें कर रहे हैं, लेकिन शुरू से शुरू करेंगे, परमानेंट मेकअप के बारे में बताइए। परमानेंट मेकअप, ये बोलने के लिए बहुत बड़ा नाम लगता है कि परमानेंट है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोगों को सुनते ही लगता है कि परमानेंट करने से इंसान हमेशा ही परमानेंट ब्यूटीफुल हो जाता है। तो एक बहुत गहरा नाम है, बहुत महत्व देने वाला नाम है। तो परमानेंट मेकअप हमारी इंडस्ट्री में बहुत ही चीज़ें ऐसी लेके आया है, खुशियां लेके आया है लोगों के लिए। तो आज आप हमसे पूछ रहे हैं कि परमानेंट मेकअप क्या है, तो आज हमारी जनता, हमारे लोग जान चुके हैं ऑलरेडी कि परमानेंट मेकअप क्या है। क्योंकि अब हम पीछे जाएंगे कि परमानेंट मेकअप क्या है, तो ऑलरेडी हमने इतने एपिसोड्स किए हैं कि जिसमें हम बता चुके हैं कि कैसे ये शुरुआत हुई और कहाँ ये शुरुआत हमने, कहाँ से कहाँ तक इसका हमने कहाँ इसकी जर्नी कहाँ तक लेके आए हैं। तो इसके पीछे काफ़ी बड़ी जर्नी रही है और काफ़ी हार्डवर्क रहा है, और आई कैन से इट्स अ हार्ड जर्नी फॉर मी, बट दो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। आई लव द जर्नी व्हाट आई हैव गॉन थ्रू। आपने अभी कहा कि हार्ड वर्क हुआ है करके। ऑफकोर्स किसी को भी चीज़ें, कोई भी होने, जो लोगों को तो खैर लगता है कि बहुत आसानी से मिल जाती हैं चीज़ें, बट इन रियलिटी दिस इज नॉट ट्रू। यू नो, एवरी वन हैज़ टू वर्क हार्ड फॉर इट। एंड वी हैव ऑलरेडी, जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी आपके बारे में कि आपने किस तरीके से अपने लाइफ की शुरुआत की, शुरू से लेके, you know, you are based out of Mumbai, coming to Mumbai and doing big in the market and people know you now. Kya kehna chahenge? I see that you are getting very emotional. Yes, because my journey has started from a very small town, very beautiful place. Matlab keh sakte hain ki स्वर्ग, लोग स्वर्ग की वो करते हैं, कि हेवन जैसी कोई जगह हो। तो आई हैव बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस, शिमला, एंड आई हैव स्टार्टेड माय स्टडिंग लाइक फ्रॉम देयर। सो जब आप एक छोटे शहर में पैदा होते हैं तो खुद ब खुद आपके एम्बिशंस और एक अंदर से एक फीलिंग रहती है कि कि कुछ करना है लाइफ में। तो क्योंकि आप देखते हो बड़े लोगों को, तो जब आप बड़े लोगों को देखते हो और आप एक खुद छोटे शहर में पले हैं, तो आपकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी होती हैं। तो उन ख्वाहिशों को पूरा करते करते ये जर्नी रही है। तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई है, शिमला के एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन में। एंड आई हैव स्टडीड फ्रॉम देयर, आई हैव डन माई आई हैव डन माई स्कूलिंग एंड माई कॉलेज, एंड देन आफ्टर दैट आई मूव टू दिल्ली। या और ये कैसे शुरुआत हुई परमानेंट मेकअप की? यू केम फ्रॉम द मेकअप इंडस्ट्री ऑल्सो, यू हैव वर्क्ड अ लॉट, इतने सालों का एक्सपीरियंस, और फिर यहाँ पे आके एक ब्रांड बनाना, लोगों को इसके साथ जोड़ना, सेलिब्रिटीज को जोड़ना, नई नई चीज़ें सामने लेकर आना, इसके बारे में कुछ बताइए डॉक्टर।
देखिए, जब आप एक बहुत ही छोटे शहर में पैदा होते हैं तो आपकी बहुत ख्वाहिशें होती हैं, और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आपके अंदर करेज होना चाहिए। करेज तब आता है जब आपको डिफ़िकल्टीज़ आती हैं लाइफ में। तो ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हमें काफ़ी आई है, क्योंकि हम एक ऐसे मैं एक बहुत ऐसे छोटे घर से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी थी और इच्छाएँ काफ़ी थी। तो जब यू नो माई मदर ऑलवेज वॉन्टेड मी टू बिकम अ MBBS डॉक्टर और अ सर्जन, या दैट्स हर ख्वाहिश, उनकी ख्वाहिश थी कि हम यू नो डॉक्टर बने। लेकिन समहाउ इशूज वर देयर, लॉट ऑफ इशूज एंड प्रॉब्लम्स वर देयर। आई कम्प्लीटेड माई प्री मेडिकल टेस्ट, आई पास फॉर दैट, एंड ड्यू टू सम रीज़न आई कुडंट परस्यू इट। सो इन बिटवीन यू नो हमारे घर के सामने देर वॉज लाइक पीपल हु वर लाइक इन ब्यूटी एंड यू नो, तो मेरा जो बचपन है वो सामने ही, हमारे घर के सामने एक ब्यूटीफुल क्लिनिक हुआ करता था और एक पार्लर हुआ करता था। तो जब भी हम स्कूल से आते थे तो हमारी हम वहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करते रहते थे। तो माई जर्नी हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम यू कैन से व्हेन आई वॉज माई एट द एज ऑफ 9. So I was studying as well as coming back and doing some kind of beauty things because they were related to me, and I used to go there and you know do some kind of beauty treatments to the clients and learning. So journey हमारी बचपन से ही वहाँ से शुरू हुई है, और study complete ना होने की वजह से then you know issues आए, and then I shifted to Delhi. And Delhi में जब हमारे पास तकलीफें आई तो हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था, तो we thought why not this, because beauty was something which I have done it you from always my wanted, yeah. always yeah. always wanted and it just you know wo mere jholi mein aa hi gaya tha, aake gir gaya tha. Aur I used to love beauty a lot. I was a very passionate girl. I used to dress up beautifully always, you know, made my hair, and you know I was very fond of my clothing and makeup and everything. तो वो शुरू से ही हमारे जहन में था, और इसी तरीके से शायद डेस्टिनी थी कि ब्यूटी में ही आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड इन दिल्ली, एंड आफ्टर दैट व्हेन आई स्टार्टेड इन दिल्ली तो लॉट ऑफ स्ट्रगल के बाद यू नो आई टुक अ स्मॉल प्लेस जहाँ पे हमने एक छोटा सा दिल्ली में, येस। तो आई स्टार्टेड इन द नेम ऑफ शिवांगी ब्यूटी क्लिनिक, एंड आई टेल यू मतलब वो इतना अच्छा चला, इट रैन सो वेल कि 10 to 12 years इट दैट प्लेस हैज़ यू नो टुक अ फेम और नेम एंड एवरीथिंग, एंड लाइन लगती थी वहाँ पे कि हमें शिवांगी के पास ही जाना है और शिवांगी के हाथों से ही करना है। तो दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आई गॉट फ्रॉम देयर। इट वॉज जस्ट नॉट लाइक आई वॉन्टेड टू बिकम समथिंग वेरी बिग, बिकॉज दैट वॉज माई यू नो यू कैन से रोजी रोटी, मुझे तो काम करना था, एंड दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। एंड ब्यूटी कैसे आगे चली गई मतलब यू नो आई देन आफ्टर 10 to 12 years आई वर्कड हार्ड, आई नो ईच एंड एवरी थिंग अबाउट ब्यूटी, इवन हेयर एंड स्किन एंड you know nails, waxing, everything, you know botox, fillers, everything I have done, lot of you know work under doctors as well, and I have worked myself in the beauty field with my hand. So lot of confidence I have got from there, and lot of experience. It's almost I can say 25 to 26 years in the field of beauty now, and still we are not stopping, we are continuing with this journey. Absolutely, absolutely. Doctor, one more thing that I would like to add over here is that ki permanent makeup mein, makeup industry mein logo ko aise lagta hai ki education ki zarurat nahi hoti hai karke. Education ko zyada importance nahi ki, only your experience matters, ya aap kisi ke under kaam kar rahe hain, wo sari cheeze hi samne aati hai. But aapke jab main cheeze dekh raha hu, I mean you are a doctor, you have got all your degrees from various institutions pan world, matlab yes. India mein hi nahi, पैन वर्ल्ड में इन्होंने इतनी सारी डिग्रीज ली हैं, बीट फ्रॉम कोरिया, बीट फ्रॉम लंदन, अमेरिका, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं। एजुकेशन इज अ प्लस पॉइंट या ज़रूरी है, ये आप दर्शकों को प्लीज़ बताइए। सेफ, आई वॉन्टेड टू यू नो से समथिंग हियर, वेरी यू नो लाइक वेरी यू कैन से कि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगी, क्योंकि व्हेन आई वाज स्मॉल and when I started my beauty career, not career like it just fell on
my plate. You wanted to. Because whole idea is I wanted to become a surgeon that time. And my mother, there was a lot of pressure from my family also because, you know, they wanted to see their daughter should become some, you know, like a surgeon. So, but जब ये नहीं possible हो पा रहा था, मतलब आज definitely I have done my, you know, I'm doing my PhD in Ayurveda and anti-aging. बट जब नहीं कर पाए थे तो लगता था कि यू नो ब्यूटी में कहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि कोई कोर्सेज नहीं है, कोई डिग्रीज नहीं है. यू नो यू कैन नॉट टेक अ यू नो सम काइंड ऑफ फेम इन द ब्यूटी इंडस्ट्री बिकॉज अगेन स्टडी नहीं कंप्लीट हो पाती है. तो दैट इज़ हाउ आई थॉट एंड मैंने ये सोचा कि यू नो बच्चे लोग यू नो दे आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड एंड दे वॉन्ट टू परस्यू देयर करियर इन ब्यूटी और उनको डिप्लोमा मिलता है तो यू नो पेइंग सो मच मनी, यू नो एक साल का डिप्लोमा है या छः महीने का डिप्लोमा है या दो महीने का डिप्लोमा है तो यू लैंड अप पेइंग ऑलमोस्ट 4 लाख 3 लाख 5 लाख. तरह तरह के डिप्लोमेज हैं और तरह तरह के आप पैसे खर्च करते चले जा रहे हो इस इंडस्ट्री में. बट एंड ऑफ द डे आप एक ब्यूटी पार्लर वाले हो. आप एक ब्यूटी पार्लर वाले हो जबकि आपके पास सारा एक्सपीरियंस है, स्किन का एक्सपीरियंस है, लेज़र चलाने का एक्सपीरियंस है, आप यू नो परमानेंट मेकअप स्पेशलिस्ट हो और आपने पील्स के कोर्सेज किए हैं, बट स्टिल आप एक ब्यूटी वाले हो. तो यू नो द इंडस्ट्री और इंडिया में जो लोग हैं वो ब्यूटी के क्या कहते हैं, ब्यूटी की जो आपकी सब्जेक्ट है इसको एक बहुत महत्व नहीं देते हैं, बहुत गलत तरीके से देखते हैं कि ये ब्यूटी पार्लर वाली है या यू नो ये ब्यूटी का काम करती है. तो यू नो यू डोंट गेट दैट रिकग्निशन, you don't get that you know that kind of respectable, you know. But don't you feel ma'am ki they don't understand this thing? अगर उनको चीजें समझ में आएंगी तो वो लोग ज्यादा इसको समझेंगे, आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि दुनिया जो आपकी दुनिया है वहाँ एग्जैक्टली अगर अब समझ रहे हैं बिकॉज हमने उनको समझाया है कि इट्स अ वास्ट फील्ड. इट इज़ नॉट जस्ट कि आपने हेयर कट कर दिया, पर एक बात बताइए, बिना हेयर कट के तो आप भी नहीं रह सकते. बिना स्किन को आप फ्रेशनेस देना है, स्किन में स्किन का यू नो क्लीन अप करना है, ये बहुत महत्व रखता है लाइफ में. तो ब्यूटी मतलब लाइक बट आप स्टिल इसको फील करते हो कि ये छोटे लेवल का एक बिजनेस है, बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट. नाउ थिंग्स हैज चेंज्ड, सब्जेक्ट हैज़ चेंज्ड एंड यू नो डिग्रीज आ गई हैं जो हमने अभी हमारे काफ़ी मतलब रिनाउन यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमने टाई अप किया है. तो यू कैन गिव द डिग्री इन कॉस्मेटोलॉजी, यू कैन गिव द नाइस डिप्लोमास, 1 ईयर डिप्लोमा, 2 ईयर डिप्लोमास एंड 3 ईयर डिप्लोमास एंड देन यू कैन गेट द यू नो ग्रेजुएट डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड यू कैन डू अ PhD एज वेल इन दैट. सो देर इज़ अ कॉस्मेटिक साइंस, इट्स स्टिल रनिंग इन इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनली. एंड कॉस्मेटोलॉजी इट्स नॉट देयर येट, बट वी हैव स्टार्टेड विद द कॉस्मेटोलॉजी डिग्री, पोस्ट डिग्री एंड द PhD डिग्री एज वेल. और एक हमने बहुत ही आसान चीज़ कर दी है कि अगर आप एक साल का डिप्लोमा करते हो तो आप किसी भी यू नो अगर परिस्थितियाँ आपकी ठीक नहीं है या आप कंटिन्यू नहीं कर पाए हो और बाद में आप कंटिन्यू करना चाहें तो 1 ईयर डिप्लोमा इज़ वैलिड एंड आप 2nd ईयर डिप्लोमा भी कर सकते हो और 3rd ईयर के बाद यू कैन अचीव योर ग्रेजुएट डिग्री. तो अभी आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि डिप्लोमा बन के रह गया है. आप यू कैन परस्यू विद योर डिग्रीज, विद योर PhD एंड यू कैन क्रिएट योर नेम इन अ लेवल वेयर डॉक्टर्स आर सिटिंग टू, बिकॉज एनी वे यू आर स्टडिंग, you are giving the same time as much as others, you know, other you know you can say other subjects you are learning, it's the same thing. To matlab is tarah se aapko ek same recognition milegi aur aap industry mein acche izzat ke sath aur ek acche you know rutbe ke sath kahin baith sakte ho aur you know you can feel yourself, you are something. लेकिन जो आपका जो ये ट्रेनिंग सेशन भी है, आपके एकेडमी भी है शगुन गुप्ता PMU, परमानेंट मेकअप सबसे पहले तो खुद सीखना फिर लोगों को सिखाना, जो आपके स्टूडेंट्स आते हैं, जो लोग आते हैं, ये कितना आपके लिए चैलेंजिंग है, यू नो इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? जब 6 साल पहले हमने इस इंडस्ट्री को शुरू किया था
तो डेफिनेटली हमारे हमारे देश में ही कोई नहीं था, मतलब होल इंडिया में, लाइक यू नो पीपल डिडंट नो अबाउट व्हाट इज परमानेंट मेकअप. बट या दैट टाइम इट वाज अ चैलेंजिंग फॉर मी बिकॉज आई हैव कम अप विद समथिंग यू नो विच पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड अबाउट परमानेंट मेकअप. और मैंने यहाँ शुरू किया तो साल मुझे लगा, यू नो वन ईयर इट टुक मी, यू नो देर वॉज नो क्लाइंट. And even my family, that was a pressure, you know, you have done this and you were thinking big about permanent makeup, ki ye ek subject hai, ye ek, you know, India ke andar, it is going to take a big, you know, big as in business as well as, you know, people will be happy with this, the kind of treatment which we will give, and they will be get happiness in their life because permanent makeup is something to give happiness to other people. Agar aapko acid attack survivors ho, aur agar aap alopecia patient ho, or you want to change your feature, like, you know, if you are transgender or you want to look pretty, you want to change your features, you want to create something new. So, you know, I always felt like isme kafi पोटेंशियल है और ये हमारे देश में नहीं है और डेफिनेटली इस पर हमें काम करना चाहिए. तो बीइंग इन द फील्ड ऑफ ब्यूटी सिंस लाइक 20-25 ईयर्स, इन दैट यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट 6 ईयर्स बैक, तब तक मुझे 25-30 साल ऑलरेडी इंडस्ट्री में हो गए थे. एंड आई डोंट नो आफ्टर माय मैरिज इट यू नो माय फैमिली डिडंट didn't give me that kind of support ki, you know, aap kariye, because they didn't like the beauty business that much. But my passion was always for the beauty. Because they were like, kya karoge tum beauty mein, you know, this is not that well recognized and bade ghar ki betiyan ye nahi karti hai, you know, that is the kind of that is the kind of word I was hearing from my family. So I, you know, end of the day, because I knew it, because I have that kind of art in me, and I thought, let me do it at least, you know, let me do it for the sake, you know, not for as Nike for the business. But it turned out a big business that was like a very, you know, I feel very proud about that, you know, like it's there and, you know, it's booming. So 6 years back when I started, there was no one in the industry, and I waited for 1 year कि client आए, कुछ तो समझे, कुछ तो जाने कि ये भी एक कोई subject है. तो this is how, you know, मतलब मेरे को हताश भी हुई, but end of the day I keep studying. पर एक बार client आया और उसके बाद word of mouth, it just boomed, and today I think I have given 200 certification. Wow. All over India. And people are coming from every state from India. Even internationally, people are coming because we are really good in our art. So they're really appreciating. And most of the people, they have put their own businesses, and I'm very proud of them. In even Calcutta, Madras, and Chennai, Delhi, Chandigarh, even Himachal too. So I really feel good about me. Yes, I have done something I never thought about in my life. I'm gonna do something in this field, but the journey has started from my age of 9, and it's still continuing with this, and I'm still managing this show. And I think permanent makeup is going to take a naya rukh hamare desh ke liye, hamare India ke liye, hamare beauty industry ke liye. And beauty ke ilawa surgery industry ke liye, because doctors and the permanent makeup and the beauty, you know, they will keep, you know, these three subject will ek dusre ke liye kaam aayenge, aur isi tarike se hum logon ko beautiful banayenge. And rahi baat aapki study ki aur aapki education ki, to education is a very very big सब्जेक्ट इन इंडिया. तो आई थिंक जिनको कमी लग रही थी कि अभी हम क्या करें, डॉक्टर नहीं बन पा रहे तो क्या करें, तो वो आप एज एन एस्थेटिक नर्स बन सकते हैं. नर्सिस के लिए एस्थेटिक नर्स में आप ये सब चीज़ें यूटिलाइज कर सकते हैं, परमानेंट मेकअप, इंजेक्टेबल्स एंड ऑल, विच इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड इन आर इंडिया बिकॉज डरमैट इज सेइंग कि लाइक इट इज़ अलाउड ओनली फॉर द डरमैट, बोटॉक्स एंड फिलर्स. बट आई थिंक डाउन द लाइन नर्सिस हैज़ डन अ गुड जॉब, एंड दे आर वेरी वेल, यू नो, वेरी वेल इन देयर, यू नो, इंजेक्टेबल्स. सो आई थिंक इन डाउन द लाइन इफ दे विल डू अ 1 year डिप्लोमा इन एस्थेटिक, we can continue with this journey for botox and fillers, and nurses can establish their career in that. And in the beauty, if you are graduate
or in cosmetology, if you are like postgraduate or graduate, even you can have that kind of aesthetic diploma where you can pursue your higher study in Botox, fillers, peels, and you can assist to the surgeon as well. You know, with them you can do wonders. So over here, I mean, as a doctor, you are the whole and soul of the PMU Academy in Mumbai. You're creating awareness. You're creating, लोगों को कमाई करने का जरिया दे रहे हैं, कमाने का मौका दे रहे हैं, उनको सिखा के चीज़ों के बारे में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं और अलग अलग तरीके से जो आपसे बेहतर आप हो सकता है. तो ये अब जब आपके फैमिली या अब जब आपके आसपास के जब लोग देखते हैं कि यू आर डूइंग सो गुड, सो बेटर एंड इंशाल्लाह आगे भी और आप अच्छा करेंगे, तो उनका अब क्या रिएक्शन है? बिकॉज मैं एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि सिर्फ ये बात नहीं है कि सिर्फ जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनको इसके बारे में पता नहीं जो ये कॉन्सेप्ट है. अपर मिडिल क्लास पीपल ऑल्सो दे आर लिटिल बिट कन्फ्यूज कि यार ये क्या है करके. आप समझ लीजिए, हम लोअर मिडिल क्लास को पूछ लेते हैं कि चलो उनको पता नहीं है इस बारे में, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि अब जो कैटेगरी जैसे जैसे ऊपर ऊपर होती जाती है उनको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है ये पूरे फैक्टर के बारे में. वॉट डू यू फील अबाउट दिस? हमने एजुकेशन के माध्यम से अभी इतने लोगों को ट्रेन कर दिया है हमारे ब्यूटी इंडस्ट्री में से, तो ब्यूटी इंडस्ट्री तो ऑलमोस्ट जानती ही है. मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कहेंगे जानेंगे तो डेफिनेटली ये इंडस्ट्री काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी है. और जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं और यू नो क्रेम दला क्रेम सोसाइटी हमारी जो है, डेफिनेटली दे आर अवेयर बिकॉज वो पूरा इंटरनेशनली ट्रेवल करते हैं. तो जिनको ब्यूटी ब्यूटीफुल रहना है और जो एनीवे किसको ब्यूटीफुल नहीं रहना है, मतलब यू नो एवरीवन लव्स ब्यूटी. आप छोटे घर की बात करो या बड़े घर की बात करो, कम पैसे वालों की बात करो या ज़्यादा पैसों वालों की बात करो, उनकी जो वाइफ्स हैं, उनकी जो बहनें हैं, उन सबको ब्यूटीफुल दिखना है. इवन आज के इस दौर पे हम एक ऐसे एरा में आ चुके हैं जहाँ पे पहला वाला ज़माना नहीं है कि लड़की काली पैदा हुई है या यू नो एक ज़माना था, एक ज़माना था कि अरे हमारे तो घर में बेटी आ गई है बट उस वो काली दिखती है तो हम इसकी शादी कहाँ करें, ये रंग अच्छा नहीं है उसका, फीचर्स अच्छे नहीं है, तो एक डिफ़िकल्टीज हो जाती थी कि इसको तो घर ही नहीं मिलेगा, इसको तो घर ही नहीं मिलेगा. बट आज वो ज़माना नहीं है. यू कैन चेंज योर सेल्फ फुली विद द कलर, विद यू नो features, and you can bring out yourself like one of the hottest sexiest women in the world. We have seen celebrities you know changing everything. I mean the celebrity, I would won't want to take any names, main kisi ka naam nahi lena chahunga. Kuch celebrities hai jo 20 saal pehle kuch aur dikhte hain, lekin aaj cause of permanent makeup and many other activities. To zamana badal gaya hai aur zamane ke badalne ke sath har ladki beautiful ho gayi hai. To aap kaise bhi paida hui hai, चाहे मोटे पैदा हुए, पतले पैदा हुए, पैदा हो जाओ या काले पैदा हो जाओ या आप अच्छे फीचर्स नहीं हैं, बट डाउन द लाइन यू कैन चेंज योर सेल्फ, यू कैन ग्रूम योर सेल्फ, यू कैन मेक योर सेल्फ ब्यूटिफुल, एंड इट्स विनिंग 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 फॉर एवरी वन, विनिंग फॉर द पर्सन हु आर बॉर्न इन अ यू नो पुअर फैमिली और इन अ यू नो लाइक यू नो हायर फैमिली, डजेंट मैटर, लाइक यू विल बी ब्यूटिफुल ऑलवेज, यू नो. एंड education is there and our India is progressing and आत्मनिर्भर की बातें करते करते तो मीनो हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो इतनी आत्मनिर्भर की हमारे लिए सुविधाएं कर दी है जिसके थ्रू पीपल आर जस्ट कमिंग यू नो एंड दे आर थिंकिंग अबाउट टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड तरह तरह की चीज़ें सस्ती कर दी हैं. अच्छा एक यू नो डिवेलपमेंट हो गया है जिसकी वजह से हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी आगे बढ़ गया है. इवन एज एन बिजनेस ऑफ फैशन बिजनेस, आप देखिए सारे ब्रांड्स इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ पहुँच गए हैं. तो यू नो लाइक वी आर प्रोग्रेसिंग एंड डे बाय डे वी आर लाइक वी आर गोइंग टू बी समवेयर लाइक यू नो वी आर ऑलरेडी देयर बट वी आर लाइक गोइंग टू बिकम मोर बेटर एंड बेटर. सो आई थिंक व्हेन आप इंडस्ट्री में आपके पास पैशन होता है और पैशन के साथ जब आप काम करते हो तो चीज़ें बढ़ती हैं. जैसे आज परमानेंट मेकअप की इंडस्ट्री हमारे इंडिया में बढ़ गई है तो कोई एक होना चाहिए, कोई एक तो किसी चीज़ को किसी सब्जेक्ट को उठाएगा. अगर फैशन में हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे नेम लें, तरुण तिलानी है या और फैशन इंडस्ट्री के जितने भी बड़े बड़े हमारे ब्रांड्स हैं और यू नो डिज़ाइनर्स हैं, उन लोगों ने इंडस्ट्री को एक नया रुख दिया है. तो हम भी परमानेंट एज एन परमानेंट मेकअप स्पेशलिस्ट हम भी इंडस्ट्री को एक नया रुख देना चाहते हैं और रुख मिल चुका है.
काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं और आगे अभी इसमें काफ़ी काम करना बाकी है, तो हम कर रहे हैं एंड वी आर हियर, तो लेट्स सी कि आगे और कितना बढ़ते हैं। तो डॉक्टर, परमानेंट मेकअप की हम लोग बात कर रहे हैं, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, लोग आपके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, यू नो आपके साथ काम करना चाहते हैं, वो छोटा हो बड़ा हो, इसके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे हम लोग कि ये जब बड़े बड़े ब्रांड्स इस कॉन्सेप्ट को जब समझते हैं तभी वो पैसा डालेंगे। टू बी प्रिसाइज, आई मीन बिजनेस जनरेट करने का अलग चीज़ होती है, साथ में काम करने का अलग चीज़ होती है। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? आई फील पर्सनली व्हेन यू आर गुड एट योर वर्क एंड व्हेन यू नो योर वैल्यू, व्हेन यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, यू कैन क्रिएट the empire and you can give the satisfaction to the people and you can bring good products and you can create an good art. I think jab aap full ek bada package hota hai to definitely brands aapke paas aate hain aur aapko approach karte hain. So today I feel personally ki main permanent makeup ki jo industry hai इसका कोई भी ट्रीटमेंट है, या आप पिगमेंट से पिगमेंट रिलेटेड बात करेंगे, या आप सर्विस रिलेटेड बात करेंगे, और एजुकेशन के माध्यम से आप बात करेंगे, तो ये चारों फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आई फील आई कैन डिलीवर द बेस्ट। सो जब आज ब्रांड आपके पास आता है और ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं, आई रियली फील गुड बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू गिव दिस यू नो सर्विसेज और द प्रोडक्ट्स और द आर्ट एवरीथिंग टू माई इंडस्ट्री, तो मुझे बहुत बहुत ही प्राउड महसूस होता है और हेल्प करना मेरा एक नेचर है और शुरू से रहा है। आई रियली वॉन्ट टू हेल्प पीपल बिकॉज आई हैव कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर आई ऑलवेज वॉन्टेड अ हेल्प इन माई लाइफ बट आई डिडन्ट गेट इट। आई द जर्नी वॉज ब्यूटिफुल दो बट इट वॉज वेरी हार्ड एंड आई जस्ट डिड इट एंड आई एम हैप्पी एंड आई डोंट वॉन्ट टू स्टॉप माई सेल्फ नॉट गिविंग दिस काइंड ऑफ यू नो एजुकेशन और यू नो आर्ट टू अदर पीपल। तो बहुत अच्छा लगता है कि ब्रांड जुड़ते हैं एंड आई वॉन्ट टू एसोसिएट विद यू नो गुड ब्रांड्स एंड वॉन्ट टू टेक परमानेंट मेकअप इंडस्ट्री अहेड एंड क्रिएट अ बिजनेस एंड जनरेट द एजुकेशन एंड सर्विस इंडस्ट्री फॉर माई इंडियन पीपल एंड फॉर माई ब्यूटी इंडस्ट्री and I'm really feel very happy like I can feel the goosebumps, like my this project is taking a shape very close to your heart. Of course, I mean, yes, it does. Yes, I 18 hours, I think it's almost 3 years. I've been working 18 hours a day and literally, you know, but it's I'm passionate about my beauty field and I'm passionate about my permanent makeup industry field. So for me, it doesn't look like I'm working hard only. I enjoy that. I enjoy working hard for this particular subject because I'm passionate. I really want, you know, it's like it's your own baby. जब आप अपने बच्चे से नहीं, today is a Mother's Day anyway, and when you know I saw a small this thing video clip in the morning in my you know WhatsApp message. There was like you know कि आपको एक इंटरव्यू में आप एक क्वेश्चंस कर रहे हैं आप अपने स्टूडेंट से या बच्चों से या यू नो जॉब वालों से कि यू नो आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सन हु कैन वर्क फॉर 24 आवर्स हु कैन who will not sleep, who will not you know they cannot take leave and they have to work, they cannot eat in between. So such kind of you know interview was happening and end of the day they said like aise koi job nahi hai jo kar sakta hai koi bhi. So then end of the day say like today is a Mother's Day, mothers 24 hours work. तो 24 घंटे जो होता है वो खाली माँ काम करती है. तो दिस इज़ हाउ दिस इज़ माई बेबी एंड आई एम वर्किंग फॉर माई बेबी एंड आई रियली वॉन्ट टू वर्क हार्ड फॉर माई बेबी. माई बेबी शुड ग्रो फास्ट यू नो बिग एंड हेल्दी एंड यू नो विद अ लॉट ऑफ नॉलेज. एब्सोल्युटली आवर गुड विशेस आर विद यू ऑन दैट नोट. बट एक और चीज़ मेरे जहन में ये आ रही थी, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. जब आपने ब्रांड्स का जिक्र किया, जो ब्रांड्स आपके साथ जुड़ना चाहेंगे या उनके साथ आप जुड़ेंगी, लेकिन एक और चीज़ ये है कि जब अपने एजुकेशन की बात की, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की, डोंट यू फील दैट कि अगर हम लोग सरकार के साथ जुड़ेंगे, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट कि जो अभी जो अभियान चल रहा है मेड इन इंडिया और भी बहुत सारी चीज़ें जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो कर रही है,
उसके बारे में, आई मीन डोंट यू फील दैट कि अगर हम लोग वहाँ जाते हैं या सेंट्रल में बात करते हैं या शुरू से शुरू करते हैं, जो भी सारी चीज़ें हमसे हो सकती है, जो क्या आपको लगता नहीं कि वो और उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा ब्रांड्स के अलावा भी? यू नो, मेक इन इंडिया इज़ अ कॉन्सेप्ट इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज आई हैव माई फाउंडेशन हैज़ डन लॉट ऑफ वर्क यू नो दिस आत्मनिर्भर भारत के ऊपर. हमने अभी अभी दिल्ली में अपने कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में दिल्ली के बहुत बड़ा इवेंट किया इसको लेकर, एंड यहाँ पे भी हमने बॉम्बे में बहुत सारे इवेंट्स कर रहे हैं. हमने इवन ट्रांसजेंडर के ऊपर भी आवाज़ उठाई, यू नो ये सब यू नो आत्मनिर्भर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी. तो आई थिंक ये जो आत्मनिर्भर वाला जो कॉन्सेप्ट है और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबको ये मतलब कहा है कि आत्मनिर्भर बनिए, तो हमारी जो फाउंडेशन है शगुन गुप्ता फाउंडेशन बहुत ही जोरों शोरों से काम कर रही है और हमारे साथ हमारा देश ऑलरेडी है. और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऑलरेडी हमें गवर्नमेंट से काफ़ी हेल्प मिल रही है और मैं चाहती हूँ कि वो हमारे इस कॉन्सेप्ट को और डीपली देखें और हमें इसी तरह से वो सहयोग देते रहें. और हमें सहयोग काफ़ी मिल रहा है. वी आर वेरी हैप्पी विद आवर गवर्नमेंट एंड वेरी हैप्पी विद दिस कॉन्सेप्ट आत्मनिर्भर भारत. तो हमें मिल रहा है और आई थिंक वी आर टेकिंग अहेड दिस. तो जुड़े हैं हम अपनी सरकार के साथ. सुपर्ब. ऑन दैट नोट डॉक्टर शगुन गुप्ता, यर्स विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू फॉर योर वर्क. थैंक यू सो मच. फ्यूचर. थैंक यू एंड ऑल आवर बेस्ट विशेस. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.